पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति गोरखपुर द्वारा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद कार्यालय बस स्टैंड पर समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में अध्यक्ष हनुमान सहाय द्वारा अपनी मांगों को लेकर आगामी 15 मार्च को देशव्यापी रास्ता रोको आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। इस मौके पर मंडलाध्यक्ष फौजदार यादव, मंडलीय सचिव बीपी मिश्र, मंडलीय समन्वयक चंद्रशेखर पाठक, जिला सचिव श्री कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव, जयप्रकाश दुबे सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष हनुमान सहाय ने बताया, ये राष्ट्रीय संघर्ष समिति की 4 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें सभी मांगे प्रमुख हैं। मुख्य रूप से नंबर 1, 7500 रुपये प्लस DA, और दूसरी मांग यह है कि जो है क्या नाम है वो चिकित्सा भत्ता, तीसरी मांग यह है जो नॉन EPS हैं, जो EPS के मेंबर नहीं है, उनको 5000 रुपये मासिक पेंशन। इस तरीके से 4 मांगे हमारी जो है वो हैं, जो कि जिसके लिए हम लोग अनवरत संघर्षरत हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ लगभग रोडवेज, वन निगम, सेतु निगम, चीनी निगम, हथकरघा निगम, आवश्यक वस्तु निगम, स्वास्थ्य निगम, कर्मचारी कल्याण निगम, इस तरीके से लगभग अनेक जो है संघ क्या नाम है विभागों के और सरकारी संस्थाओं के, सार्वजनिक संस्थाओं के।